स्वागत है आपका एक बार आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूँ ब्रज नंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। कभी कभी समाज में ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनको ये देख के प्रतीत होता है कि क्या ऐसा भी कार्य किया जा सकता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी व्यक्तियों के खिलाफ जो कि उसके रिश्तेदार हैं, जो भी उसके पड़ोसी हैं, यहाँ तक कि उनको भी इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। क्योंकि अगर जो पहले अगर जो किसी के साथ अगर जो संबंध बने हैं, संबंध में मधुरता रही है, अगर जो वो मधुरता का जो समाप्त हो जाती है तो वो बहुत ही विग्र रूप धारण कर लेती है। बात करते हैं इसी पे कि जैसे कि अगर जो मैरिटल लाइफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि जो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी डिस्प्यूट या भी जो भी उनका विवाद रहा हो, वो विवाद की जड़ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, वो आज एक ही दिन में नहीं पहुँच गई है। क्योंकि जाहिर से तौर पर दोनों के फैमिली वाले, दोनों के जो रिलेशन थे, कभी कभी दोनों ने साथ में मिलकर खाना भी खाया होगा और दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे के गम और खुशी में साथ भी दिया होगा। लेकिन क्या कारण रहा होगा, क्या जरूरतें या क्या मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से आज जो दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गया और डिस्प्यूट इतना विग्र हो गया है कि एक दूसरे को अब देखना भी नहीं पसंद कर सकते हैं। और दोनों के बीच में जितनी जल्दी ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ अगर जो मुकदमा प्रस्तुत किया है तो क्या उस स्थिति में भी जो तथ्य, जो फैक्ट वाइफ ने अगर जो पति ने प्रस्तुत करके रख दिए हैं, क्या वो बिना विवेचना सही वो गलत का पता लगाए हुए भी क्या हस्बैंड के खिलाफ क्या मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो सकता है। बात करते हैं इसी पे कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। और उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो साथ ही लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर जो आपकी कोई जानकारी है या अगर जो आपकी कोई समस्या है या हमसे कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरे लोगों तक इसको शेयर कर दिए। और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आपके जो मूल तथ्य मैं उस पर आता हूँ कि मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो कोई वाइफ, अगर जो कोई महिला है, उसने अगर जो भी तथ्य सही हो चाहे गलत हो, उसी के आधार पर अगर जो उसने मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो क्या उसी के आधार पर मेंटेनेंस मिल जाएगा। अगर जो मेंटेनेंस मिल जाएगा तो क्या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, तो इस पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर जो वो महिला अगर जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, क्योंकि मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर जो बहुत लोग हैं, क्योंकि हमारा भी समाज में उसमें जो ज्ञान का भी बहुत ही अभाव रहता है, जिसके कारण हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग भी रह रहे हैं लेकिन अब किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। उसके जो परिणाम होंगे, जो दूसरे परिणाम होंगे वो बाद में मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो अगर जो चले भी गए हैं, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग भी हो गए हैं तो अब कोई भी पक्ष किसी पे कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी लोग जागरूक हैं या जिनको नॉलेज भी है कि क्या इसी को, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम उसने हमारे साथ गलत किया या अच्छा किया, उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसको इन्वॉल्व जरूर करेंगे। तो इसी तथ्य पे, क्योंकि अगर जो महिला ने अगर जो कोई भी तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत कर दिए हैं तो उन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है। लेकिन अब ये हस्बैंड की ड्यूटी बनती है, क्योंकि हस्बैंड उस केस में नोटिस जारी होगी। नोटिस जारी होने के उपरांत हस्बैंड को अपनी बात, अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो प्रस्तुत करने का उसको समुचित अवसर मिलेगा। तो इसी के साथ में अगर उसको समुचित अवसर मिलता है अपनी बात को रखने के लिए, कोर्ट को बताने के लिए, तो उसमें अगर जो पत्नी अगर जो हस्बैंड से अलग रह रही है तो अलग भी रह रही है, साथ में ये भी आपको वर्णित करना पड़ेगा कि वो किन कारणों से अलग रह रही। अगर जो पत्नी ने कोई भी कारण नहीं बताया, बिना बताया अगर जो अपने वो मैरिटल हाउस को छोड़ के अपने मायके या अपने निकटतम संबंधियों के यहाँ चली गई है, तो उस स्थिति में मेंटेनेंस मिलने का कोई प्रावधान नहीं बनता है। और अगर जो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, अगर जो आपकी जो वाइफ है या जो भी महिला है उसका संबंध किसी और व्यक्ति के साथ भी है, तो ये अगर जो तथ्य आप माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत करते हैं तो माननीय न्यायालय आपके तथ्य पर विचार करके जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको रोक भी सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। क्योंकि आपने अगर जो देखा होगा जिसके पास भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, क्योंकि मेंटेनेंस का ऑर्डर जो इंटरिम रूप से मिलता है उसमें एक चीज़ अवश्य नीचे कोर्ट मेंशन करती है कि अगर जो विपरीत अगर जो तथ्य सामने आते हैं तो इस जो मेंटेनेंस उसको संशोधन या परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके साथ में और आपको एक चीज़ और अडॉप्ट करनी चाहिए, अगर पत्नी बिना बताए चली गई है, मायके गई हो या निकटतम संबंधी के पास चली गई हो, अल्टीमेटली क्योंकि वो हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, हस्बैंड से अलग रह रही है, तो इस आधार पर हस्बैंड को सबसे पहले सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो अप्लीकेशन है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि उसमें आप अपने तथ्य मेंशन करेंगे और साथ में ये
अवश्य आपको वर्णित करना पड़ेगा कि हम अपनी वाइफ को लाना चाहते हैं, लेकिन वाइफ किसी कारणों से, क्या कारण वो कारण भी नहीं बताती है और हमारे साथ रहने को भी तैयार नहीं है। अगर जो आपके तथ्य और आपके फैक्ट अगर जो माननीय न्यायालय को उचित लगते हैं और उन पर विश्वास करती है, तो सेक्शन 9 के अंतर्गत माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी कि सच एंड सच पर्सन को और सच एंड सच पर्सन को एक साथ रहने का उनको मौका दिया जाए। और इसके साथ में जो पति है उसको भी ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने रीज़न भी देने पड़ेंगे कि जो पत्नी है वो मेरे ऊपर उल्टा सीधे आरोप लगाती है और अलग अलग विभाग में, अलग अलग न्यायालय में उल्टा सीधे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है, लेकिन इन सब विपदाओं के होते हुए भी हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं। तो ये सब सारे जो आधार हैं वो आपको अपने प्रार्थना पत्र पर मेंशन करने पड़ेंगे और ये प्रार्थना पत्र जो पारिवारिक न्यायालय है उसमें आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय को ही समुचित क्षेत्राधिकार है आपके इस तरीके के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का। और इसके साथ में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इतना समय व्यतीत हो चुका है, पत्नी ने कोई भी कारण नहीं बताया, कोई भी रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया, इसके साथ में वो पति से अलग रह रही है। तो ये सब सारे जो कारण हैं, जो तथ्य हैं, आपको मेंशन करने पड़ेंगे अपने प्रार्थना पत्र पे, क्योंकि ये मैंने जरूर देखा हुआ है कि सही तरीके से, समुचित रूप से कोई भी कार्यवाही जो विधिक ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। फिर अल्टीमेटली जो हमारे व्यूअर हैं और जो सब्सक्राइबर हैं और जो क्लाइंट हैं उनकी फिर ये क्वायरी निकल के सामने आती है कि मैंने ये भी एप्लीकेशन मूव किया, वो भी एप्लीकेशन मूव किया, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। सुनवाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि जहाँ पे जो दिक्कत है, क्योंकि जहाँ पे जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसी के अनुरूप ही कोई जब उपचार करेंगे तभी वो बीमारी सही हो पाती है। क्योंकि अगर जो बीमारी कुछ और है उसका इलाज आप किसी और तरीके से, दूसरी दवाइयाँ खाएंगे, तो वो इलाज में आपका फ़ायदा नहीं करेगी। आपने तथ्य कोई गलत तरीके से वर्णित कर दिए हैं, आपको जानकारी नहीं थी कि कौन से तथ्य कहाँ मेंशन करने चाहिए और कौन से तथ्य किस न्यायालय में मेंशन करने चाहिए। तो अगर जो आप समुचित ढंग से, समुचित तरीके से अगर जो आप अपने जो मुकदमे की पैरवी करते हैं, तो आपके विपरीत कोई भी आदेश पारित नहीं होगा। और इसके होते हुए भी फिर भी अगर जो आपके खिलाफ अगर जो कोई आदेश पारित हो जाता है कि जिसमें कि आपने समुचित ढंग से सारे तथ्य और सारे जो एविडेंस है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, फिर भी माननीय न्यायालय ने आपकी बात को नहीं सुना है, किसी बात को आपको नज़रअंदाज कर दिया है, किसी बात पे कोई गलत फाइंडिंग दे दी है, तो आप इस आदेश के विपरीत में इस आदेश को आप ऊपरी अदालत में जो अपीलेट जो कोर्ट है उनमें आप चुनौती दे सकते हैं। और इसके साथ में अगर जो फिर भी आपको वहाँ आपको मेंशन करने पड़ेगा, क्योंकि जो अपीलेट न्यायालय है वहाँ आपको कोई भी नया तथ्य, कोई भी नया फैक्ट नहीं प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि जो निचली अदालत में जो फैक्ट, जो मटेरियल, जो फाइल पे, पत्रावली पे उपलब्ध है, उसी को वो दोबारा से पढ़ा जाता है कि जो निचली अदालत ने है वो अपने आदेश में कहाँ पे क्या गलती की है। तो ये सारी गलती अगर जो आप अपीलेट न्यायालय को आप प्रस्तुत करके आप उनको जो दिखाते हैं, और अपीलेट न्यायालय को अगर जो आप सही ढंग से, अगर समुचित रूप से, अगर जो अपने आप तथ्य प्रस्तुत करते हैं, तो अपीलेट न्यायालय आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। और आज का वीडियो इतना ही, यहीं तक है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें अवश्य बताइएगा, और अगर जो आपकी कोई जानकारी है, कोई आप हमसे आप कोई अगर जो आप हमसे निजी जानकारी जानना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, या आपके भी कोई प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं हो पा रहा है, तो संपर्क करने का माध्यम स्क्रीन पे भी है, व्हाट्सएप पे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।